वन टैप, यू लाइक वन टैप, बट वन टैप डोंट लाइक यू। तो यार देखो, फ्री फायर के आज के जमाने में भी जहाँ पे मोहल्ले का बच्चा बच्चा बदमाश हो रखा है वन टैप मारने में, इस जमाने में भी अगर आपके वन टैप नहीं लग पा रहे ना, तो फिर तो मैं आपकी फीलिंग बिल्कुल समझ सकता हूँ। अब देखो, अगर आप लोगों के वन टैप नहीं लगते और शॉर्ट रेंज में भी भर भर के वन टैप मारना चाहते हो, तो फिर तो आज आप एकदम सही वीडियो पे कूद के आए हो। क्योंकि देखो, आपको तो पता ही है कि अभी वन टैप का जमाना चल रहा है, और अगर टाइम रहते अगर आपको सही से वन टैप मारने आ गए, तो फिर तो आपकी अलग ही इज्जत होगी मार्केट में। लेकिन हाँ, बस दोस्तों के बीच में आपकी इज्जत नहीं होने वाली कभी भी, और उसके लिए कोई टिप्स भी नहीं है मेरे पास। आपका दोस्त चाहे एक बार को बॉट की तारीफ कर देगा, लेकिन आपकी तारीफ ना ना ना, भूल जाओ। और सिर्फ इसी वजह से इस वीडियो में आपको एक नी दो नी लाइन से तीन तीन वन टैप ट्रिक बताई जाएंगी। अगर पहली वन टैप ट्रिक से वन टैप ना लगे तो सेकंड वाली यूज कर लेना, और अगर सेकंड वाली से भी ना लगे तो थर्ड वाली यूज कर लेना। और भाई अगर बाई चांस थर्ड वाली से भी वन टैप ना लगे, तो फिर तो तुमसे ना हो पाएगा। और हाँ, जैसे आपने अपने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, वैसे दूसरे हाथ से लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार। दूसरे हाथ से क्या कर रहे हो, कभी कभी कुछ शुभ काम भी कर लेने चाहिए। अब देखो, जो हमारी सबसे पहली ट्रिक है ना, वो बहुत ज्यादा मस्त है और दिखने में भी बहुत ज्यादा कूल लगती है, और इसीलिए इस वन टैप ट्रिक को मैंने नाम दिया है कूल वन टैप ट्रिक। तो इस वन टैप ट्रिक को सीखने से पहले आपको 5 से 10 मिनट के लिए जंप फायर स्विच रन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपको करना है, आपको सबसे पहले किसी भी एक खाली एरिया में जाना है, और वहां पे जाके आपको सबसे पहले जंप करना है, फिर आपको फायर करना है, फिर आपको तुरंत स्विच करने के साथ ही रन कर देना है। अब उसके बाद इस ट्रिक में आपको क्या करना होता है कि आपको वन टैप मारने से पहले हमेशा अपने एम को जो है वो फ्री रखना होता है, मतलब अपने एम को आपको वाइट रखना होता है। और आप चाहे अपने एम को ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर भी रख लो, लेकिन बस आपका एम जो है वो वाइट होना चाहिए, एनिमी के ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब आपका जो एम है वो एकदम फ्री टू मूव होना चाहिए। अब अगर बात करें इसके स्टेप्स की, तो इसके काफी सिंपल स्टेप्स हैं, आप लोग एक बार में सीख जाओगे, बस आप लोग ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक सुपर जंप लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अपने एम को फ्री कर देना है एकदम, मतलब आपका जो एम है वो एकदम वाइट होना चाहिए। तो जंप लेने के बाद आपके कैरेक्टर के पैर जैसी जमीन पे टच होने वाले हो, आप लोगों को तुरंत उसी टाइम पे रोटेशन ट्रैक कर देना है, और जैसी हेडशॉट लग जाए तो फिर आप लोग को तुरंत गन स्विच करके रन कर देना है, जिससे कि एक बहुत अच्छा वन टैप लगेगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख लो कि मैं कितनी आसानी से इस ट्रिक की मदद से हेडशॉट मार पा रहा हूँ। तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको एक जंप लेना है, ठीक है। फिर आप लोग को जंप लेने के साथ साथ ही आपको अपने एम को सही कर लेना है, मतलब आपका जो एम है वो एकदम फ्री होना चाहिए। फिर उसके बाद जब आपके कैरेक्टर के पैर नीचे आने वाले होंगे, तो आपको तुरंत रोटेशन ट्रैक कर देना है, और फिर गन स्विच करके स्प्रिंट वाला बटन दबा देना है। तो ये ट्रिक वैसे तो काफी ज्यादा इजी है, लेकिन अगर आपने शुरुआत में जंप फायर स्विच रन की प्रैक्टिस नहीं की, तो फिर तो ये ट्रिक आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए पहले आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर लेना। और लिटरली यार सच बता रहा हूँ, अगर आप लोग इस वन टैप ट्रिक से वन टैप मारना सीख गए ना, तो फिर आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि जब हम किसी बंदे को ऐसे जंप करके वन टैप मारते हैं ना, तो वो दिखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश लगता है, जिससे कि अगर आपका कोई दोस्त आपको स्पेक्टेट कर रहा होगा, तो आपकी इज्जत उसकी नजरों में चार गुना बढ़ जाएगी। और अगर आप लोग यूट्यूब पे मोनेटाइज्ड वीडियो अपलोड करते हो, तो फिर तो आपको वहां पे भी काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर आपको ये वाली ट्रिक सही से नहीं समझ आई, तो फिर आप लोग एक बार दोबारा पीछे करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट वन टैप ट्रिक की। तो जो हमारी नेक्स्ट वन टैप ट्रिक है ना, उसका नाम है स्ट्रेट वन टैप ट्रिक, या फिर आप लोग कह लो फास्ट वन टैप ट्रिक, है ना, आप लोग कुछ भी कह सकते हो। तो इस ट्रिक में आपको कुछ भी जंप वगैरह नहीं करना होता, इसमें आपको पूरे टाइम जमीन पे रहना होता है और यहीं से वन टैप मारना होता है। और इस ट्रिक में आपको अपने एम को अपने एनिमी के लेफ्ट साइड में रखना होता है, और वो भी थोड़ा ऊपर। तो जैसे मैंने आपको पिछली ट्रिक में जंप फायर स्विच रन की प्रैक्टिस करने के लिए बोला था, तो आप लोगों को बिल्कुल उसी तरह इस ट्रिक में सिर्फ जंप को हटा देना है, आप लोगों को सिर्फ फायर स्विच रन की प्रैक्टिस करनी है। और ये फायर स्विच रन तो काफी ज्यादा आसान है, बस आप लोगों को एक बार फायर करना है, फिर आप लोगों को तुरंत गन स्विच करनी है, फिर आप लोगों को रन कर देना है। और अगर आप लोग थोड़ी देर भी इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपका थोड़ी देर में ही हाथ सेट हो जाएगा। अब अगर बात करें इसके स्टेप्स की, तो इसके स्टेप्स भी काफी ज्यादा सिंपल है। तो आपको करना है, आपको सबसे पहले रन करना है, फिर उसके बाद आपको अपने एम को अपने एनिमी के लेफ्ट साइड में रखना है, फिर उसके बाद आपको रन करते करते ही एकदम से रोटेशन ट्रैक कर देना है, और ट्रैक करने के तुरंत बाद आपको स्विच करके रन कर देना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैं कितने मस्त मस्त वन टैप मार पा रहा हूँ इस ट्रिक से, है ना। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको रन करना है, फिर आपको तुरंत एकदम से रोटेशन ट्रैक कर देना है, फिर आप लोगों को तुरंत गन स्विच करके दोबारा से रन कर देना है। तो ये थी हमारी सेकंड वन टैप ट्रिक। और अगर आपको ये वाली ट्रिक सही से ना समझ में आई हो, तो फिर आप लोग 10-20 सेकंड पीछे करके देख लो। अब बात करते हैं अपनी थर्ड वन टैप ट्रिक की। तो देखो, ये वैसे तो कोई वन टैप ट्रिक नहीं है, लेकिन अगर आपने ये चीज मिस कर दी, तो फिर तो आपने जो पिछली दो ट्रिक देखी है, उसको आप लोग सही से यूज
नहीं कर पाओगे, इसीलिए बिल्कुल भी मिस मत करना। तो देखो मैं इसमें आपको क्या बताना चाहता हूँ कि आप लोग मानो या ना मानो, आप लोग जितने भी हेडशॉट मारते हो वो आप लोगों के पूरे फायर बटन के ड्रैग पे ही डिपेंड है। जिस बंदे को जितना अच्छा ड्रैग करना आता है वो उतने अच्छे हेडशॉट मार देता है। तो अगर आपको एकदम तगड़े तगड़े वन टैप मार रहे हैं ना, तो आपको अपने फायर बटन से एकदम एक्यूरेट ड्रैग करना आना चाहिए। तो फायर बटन से एकदम एक्यूरेट ड्रैग करने के लिए आप लोग दो चीज कर सकते हो। सबसे पहला है कस्टम। तो आपको करना है, आपको अपने दोस्त के साथ एक 1v1 कस्टम में जाना है और आप लोगों को अपने दोस्त को पहले ही बोल देना है कि भाई देख ये स्प्रे वाला कस्टम नहीं है, ओनली वन टैप वाला कस्टम है, अगर तेरे को खेलना है तो खेल वरना निकल। और फिर आप लोगों को तब ओनली एक बुलेट फायर करके वन टैप की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हमारे पास तो कस्टम होते ही नहीं है। तो अगर आप लोगों को कस्टम नहीं मिलते या फिर है नहीं आपके पास, तो आपको करना है आपको सिंपल ट्रेनिंग में आ जाना है और यहाँ पे जो खाली एरिया है यहाँ पे आप लोग अपने दोस्त को बुला लेना और यहाँ पे आप लोग वन टैप की प्रैक्टिस आराम से कर सकते हो। और यहाँ पर आप लोग जितनी मर्जी देर तक एक दूसरे को वन टैप मार सकते हो। और अगर आप लोग मेरे से पूछोगे तो आपको सबसे पहले डेजर्ट ईगल और M187 से ही प्रैक्टिस करनी है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो फिर आप लोग लाइक के बटन को दबाने में बिल्कुल भी मत शर्माना और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी देरी मत लगाना। और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और अब ये वीडियो खत्म हो चुकी है, अब आप लोग जा सकते हो। लेकिन हाँ, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए जरूर जरूर आना। बाय बाय।